खूबसूरत भी बनाया है, ऐसी ऐसी गेम्स भी करवाई हैं, सो इसके लिए तो आपको देखना ही पड़ेगा। और बस अब तो आप सबको यही बोलोगे कि भारती का शो देखना ही पड़ेगा, तो आप लोग देखिएगा और बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग दीजिएगा ताकि हम जल्दी दूसरा सीजन लेके आए ना, और थोड़े पति दे दे पैसे। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कृष्णा को लेके भी, क्योंकि उनसे भी बड़ा काम करवाया है हमने। सो हाँ, 3 नवंबर को हम शुरू कर रहे हैं, जब ये शो लॉन्च होने वाला है सारी डीटीएच प्लेटफॉर्म्स पे, एयरटेल पे, डिश पे, टाटा स्काई पे और वीडियो कॉन पे। सो कमेंट्स देने ही पड़ेंगे, बिल्कुल 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 देने ही पड़ेंगे। अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मुझे चैलेंज नहीं था मेरे लिए, मेरे बहुत मतलब मुझे लोगों से बातें करने का बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि तब तक स्क्रिप्टेड ही करते हैं, जैसे कॉमेडी शो में देखा अपना ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन आपसे जैसे और कैसी हो, इसके बाद कहाँ जाओगी, आज मम्मा ने क्या बनाया, दिवाली, ये सारी बातें करने का टाइम नहीं मिलता। मुझे कॉमेडी करने का टाइम मिलता है जो स्क्रिप्टेड होती है, जो कर लेते हैं, ये बातें करनी थी मुझे कि कृष्णा कैसे हो भाई, आजकल आपका कोई शो नहीं आ रहा तो वेले रह के कैसा लग रहा है, तो ये पर्सनल बातें, तो ये इन्होंने मौका दिया है कि हाँ जी आप मतलब कहते ना कि सीधी बैंड नहीं बजा सकते, कंबल भी नहीं, इस बार चादर दी है, चादर में ऐसे करके जूते करके से हमने थोड़ी सी बैंड बजाई है, लेकिन बहुत मजा आया है। और चैट शो का मेरी जो बहुत बड़ी इच्छा थी वो शिमारो ने पूरी कर दी, थैंक यू सो मच सर। और बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला जिनके साथ एक एक डेढ़ साल से मिली नहीं थी, तो उनके साथ भी मिलने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और कितने एपिसोड्स हैं टोटल इस सीरीज? ये अपने 13 एपिसोड है ना, 13 एपिसोड आप देखना। कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसको आपका इंतजार है कि इन्हें लाना है, इन्हें आना ही पड़ेगा? बच्चन साहब। ओके, तो केबीसी में गई नहीं अभी तक, तो उनको शायद मेरा इंतजार है कि आना ही पड़ेगा, जब भी बुलाए तो सीजन खत्म होने वाला है, कोशिश करेंगे हम भी उनको लेकर आए अपने शो में। और पता नहीं, हर्ष को तो इंतजार था लाइफ में आना ही पड़ेगा, बट मैं आ गई, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जो मेरे बारे में सोच रही है कि आना ही पड़ेगा। आप बताओ, आप सोचते हो? शर्म आनी चाहिए, पति बैठा सोच सकते हो, ये छूड़ा भी नहीं उतरा अभी, मंगलसूत्र भी है। बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर मुझे मीडिया पूछते हैं कि आप लोगों के साथ फ्लर्ट करती हैं, चाहे वो शाहरुख हो, रणवीर हो, ये वो, तो आपके पति कुछ नहीं कहते, तो इनसे पूछा था, तो ये बोलते कि इन ईयर में मैं ही बोलता हूँ, पप्पी कर ले, गले लग जा, गले लग, तो यही करवाते हैं इसका। बस थैंक गॉड ये कभी एक्टर ना बने, मैं इनको नहीं करता हुआ देख सकते। हर्ष जी आप बताइए, आप तो मतलब प्रोड्यूसर भी हैं इस, मतलब आप कोई ऐसी पर्सनालिटी जैसे कि भारती जी ने बताया कि बच्चन साहब का इंतजार रहेगा, आप मैं शाहरुख सर को, मेरे को शाहरुख सर का इंतजार है कि वो, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका और कई बार उनके लिए थोड़ा बहुत लिखा है कॉमेडी शोज में, तो वो उनका इंटरव्यू करने में बहुत मजा आया, बिकॉज उनके जितना कैंडिड और ऑनेस्टली विटी आंसर देने वाला आई डोंट थिंक सो कोई और है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत रोमांटिक है एंड फिर भारती जी का वहाँ भी रोमांस स्टार्ट हो सकता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? करेक्ट भारती, मन्नत वाला बंगला इनको भी पसंद है, उसे मिल जाता है तो अच्छी बात है, ये भी है। अभी तो बेबी का प्रेशर है, शादी हो गई, 9 महीने हो गए, तो सब कर रहे हैं ना खुशखबरी, मतलब उनको लगता है शादी करो इसके बाद यही कर लो, प्रेशर मेरे पे कभी नहीं रहा और कॉमेडी कभी प्रेशर से नहीं होती। शादी के बाद मैंने काफी ब्रेक लिया था और ये हर्ष ने कहा था कि जब मन करे तब करना, थोड़ा इतने 8 साल काम किया, अभी शादी के बाद थोड़ा ब्रेक लेते, तो मैंने बहुत बहुत जैसे अभी कॉमेडी सर्कस हुआ वो मैंने नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट की रात वो मैंने नहीं किया, तो मुझे थोड़ा ब्रेक लेना था क्योंकि 10 साल इस चीज़ को टाइम दिए,
घर एक ही बार बसा है अभी और भगवान करे बसा ही रहे, तो उस चीज को मैं थोड़ा टाइम दे रही थी, हर्ष को, अपने सास ससुर को, अपनी फैमिली को. और अब बैक टू बे वापिस आई हूँ, इंडियाज गॉट टैलेंट है, ये भारती का शो आना ही पड़ेगा और बहुत सारी अपकमिंग चीजें हैं. तो प्रेशर कभी भी नहीं मैं लेती, मैं हमेशा मस्ती से काम करती हूँ. वो अक्षय को पता है क्योंकि अक्षय डायरेक्टर है, इन ईयर पे वही होता है कि इसको ये बोल दो, अब ये बोल दो, तो उसको भी पता है कि उसने बोल दी लाइन, चाहे मैं अभी 15 मिनट बाद बोलूँ या 2 मिनट बाद बोलूँ, मुझे बोलनी है. मैं कभी प्रेशर नहीं लेती. और कॉमेडी जितनी आप मस्ती से करेंगे ना तभी होगी. प्रेशर नहीं भाई, प्रेशर तो सुबह नहीं लेते हम. आपने स्टार्ट किया था एक छोटे से सिटी से आई आप, आज आप लाफ्टर क्वीन है, तो कुछ इमोशनली कुछ कनेक्शन होता है आपका पर्सनली? बहुत होता है भाई. और आज भी बड़ा दुख होता है कि जिस लड़की को भी पूछो ना कभी जाओ शोज करने कि क्या बनना है, मुझे ना मॉडल बनना है, मुझे ये करना, कॉमेडियन कोई भी नहीं बोलता लड़की, उनको लगता है कि मजाक का विषय, बिल्कुल भी नहीं. आज मैं जहाँ खड़ी हो जाती हूँ सामने वाला बोलता है आप हमको मत बोलना, वो डर जाते हैं कि अरे क्या बोलेंगी आप, ये वो, मतलब थोड़ा हो जाता है. तो मुझे भी ये होता है कि मेरे कंपटीशन में भी कोई आए ताकि मुझे भी मेहनत करने का मौका मिले. मुझे मेहनत करने का मौका मिल ही नहीं रहा क्योंकि सामने कोई आ ही नहीं रहा. सबको मॉडल बनना है, सबको हीरोइन बनना है. लेकिन मैं एक बात पहले भी मैंने बोली, अभी भी बोलती हूँ कि जो हीरोइन मॉडल ये एक बार आते हैं फिर फ्लॉप हो जाते हैं. कॉमेडियन कभी फ्लॉप नहीं होता, चाहे वो जॉनी लीवर जी ले लो, 20 साल पहले भी फिल्मों में आते थे और हंसते थे हम, और आज भी उन पे हंसते हैं. सो मैं बहुत लकी हूँ कि मैं एक कॉमेडियन हूँ. और लड़कियाँ सोचती कॉमेडियन बन जाएंगी तो लड़के मतलब मजाक उड़ाएंगे, शादी नहीं होगी. इधर देखो हो गई, पति भी डरता है. और अपनी बीवी को लेके शो बनाया, मजा आया ना किसी को लेके बनाया. वैसे तो इनका था कि सनी लियोनी को लेके बनाऊ मैं तो ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन डर अपनी जगह होता है ना. करवा चौथ भी तो रखा था ना, मैं सारा दिन डराती रही, मैं ज्यादा कुछ किया तो पानी पी लूंगी. सामने तो अभी कोई है नहीं जैसे मैंने पहले बोला, लेकिन जिनको मैं पसंद बहुत करती हूँ वो है कपिल भाई और कृष्णा. मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ काम करके. और सुदेश जी, उनकी कॉमेडी अलग ही है. मतलब आप कभी नॉर्मली उनसे बात करेंगे ना तो वो पता नहीं चलेगा आपकी कब खींच गए और आपको लगेगा कि आपकी तारीफ कर रहे हैं. सो ये 2-3 लोग हैं जिनको मैं बहुत मेरे कॉम्पिटिटर हैं और इनको पसंद भी करती हूँ और जेन्युइनली मैं इनकी फैन भी हूँ. और बस एक साथ आ रहे हैं, आप देखिएगा ताकि फिर पता चलेगा क्या कॉम्पिटिशन है. हर्ष जी एंड भारती जी, जैसा कि आपने बताया कि किस हमने ए भी तो थोड़ी सी देखी, तो किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपके शो में? क्यों, हम पहले बता दें फिर आप देखो ही ना. हम 3 तारीख को देखो ना. हाँ वो तो जस्ट फिर मुझे फोन करके बोलना कि कैसा लगा आप. 9 बजे से पहले करना, फिर ये आ जाते फिर लंबी बात नहीं कर पाएंगे. सवाल काफी हम थोड़ा भी बहुत कोशिश किए कि हम सीरियस जोन में ना जाएं, बिकॉज़ आप जब टीवी ऑन करते हो तो वैसे नेगेटिविटी बहुत फैल रही है. तो हमारा था कि जिंदगी में मस्ती मजाक हंसते हंसाते थोड़ा वो मेरी बेइज्जती करे, थोड़ा मैं उनकी करूं, हंसते खेलते एपिसोड निकाल दे. तो वही था कि ये शो में ना ही कोई कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है, ना ही कोई इमोशनल सवाल है. बस है कि मस्ती वाले सवाल है भाई, कि क्या कर रहे हो, वो सवाल जो मीडिया भी पूछने से डरती है. और आपस में हम लोग सिर्फ एक अपने घर में आपस में बात करते हैं या व्हाट्सएप पे जो सवाल एक दूसरे को पूछते हैं कि आजकल खा लिए, क्या कर रहा है, पैसे वैसे है कि नहीं, वो सवाल हमने सोचा कि हम यार टीवी पे पूछे और वही सवाल है. और ऐसा नहीं कि हमने उनकी टांग खींची है, मेरी भी बहुत टांग खींची गई सामने से. तो वो होता ना कभी वो सिक्सर मारे कभी हम सिक्सर मारे, तो दोनों को वक्त देना चाहिए. अगर आप भी सिक्सर मारे और वो भी तो फिर बॉल टूट जाएगी ना, तो कभी उनको कभी हमको, तो मतलब मेरी भी काफी हुई है. लेकिन हर चीज जो कंप्लेन की है भारती जी ने आपके खिलाफ की, पैसे नहीं दे सके खिलाफ खुशी बरसाने में. हां मतलब ऐसा क्यों? अब क्या मतलब घर की बात है यार. मैंने बोला यार घर है अभी यार, बीवी तो है तो उन्हें भी तो पैसों की जरूरत है. हां लेकिन वो मेरे साथ ही रहती है. सो मैंने सोचा चलो घर की बात है, मेरा पैसा उसका पैसा है, वही वाली बात है ना. नहीं नहीं, पैसा अपना अपना, प्यार एक है, पैसा अपना अपना है ना. ये मेरे साथ है, पता मैं ये मुझे मन ही मन में पसंद करते हैं, इसीलिए जो मेरे मन में सवाल है वही पूछ रहे हैं ये कि हाँ नेक्स्ट टाइम से जब भी मुझे चेक देंगे मैं फोटो भेजूंगी आपको.
काम अपनी जगह यार है ना, आर्टिस्ट अपनी जगह, पत्नी तो घर पे हो ना, इधर भी आर्टिस्ट हूँ तभी दूर बैठी हूँ मैं इनके थोड़ा करीब दे लेंगे, चलो थोड़ा बहुत निकालेंगे पैसा। बिल्कुल भी नहीं, अगर कहते ना नेगेटिव बातें करें ना हम, जो हो गया वो हो गया, अगर हमारी लाइफ से कहते ना कि खुशी के दिनों में उन चीजों को याद ही नहीं करते, हमने भी नहीं पूछा क्योंकि जैसे उनके फोन कॉल सुने थे ये वो, तो आपको भी लग रहा होगा कि वो कितने स्ट्रेस में है। तो एक बार बात की थी तो उन्होंने बोला मुझे थोड़ा टाइम दे दो बेटा, मैं थोड़ा परेशान हूँ, फिर हमने कभी उनसे वो बात नहीं पूछी। आज नए शो की तैयारी कर रहे हैं हम उनके साथ हैं और शादी भी हो रही है जैसे आपको सबको पता है, तो अभी खुशी का टाइम है। कहते ना वो वक्त आता है एक बार, वो रात आती है लेकिन उसके बाद दिन आता है, तो दिन आ गया है तो फिर हम रात की बातें करें ना कि भाई रात को भूत दिखा था या डर गई थी मैं, वो करें ना बातें। तो और सबको इंतज़ार है कि कपिल भाई वापस आए, क्योंकि रुलाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, हंसाने वाले थोड़े हैं, तो जो दो तीन हैं वो वापस आने चाहिए। आप भी हंसो ना, उदास क्यों, खुश नहीं आप कि हम आ रहे वापस? हाँ जी ठीक है, थैंक यू। बस कोई और कोई सवाल नहीं, कोई पैसा वैसा मैं नहीं देता, ऐसा भी सवाल नहीं, आप मुझे आपको कैसा लगता है? भाई आप पूछ लो, कोई और पूछ ले, आप पैसे वाली बात तो हो गई बात कोई दिवाली तो बोले थे ना, क्या कर रही है ऐसा कुछ होता है।